I will show you how to create a traffic control system in this video. Okay, so पहले आप देख सकते हैं ये इनिशियल वैल्यू जो है ग्रीन है, मतलब पहले ग्रीन रहेगा, कुछ देर बाद रेड होगा एंड उसके कुछ टाइम बाद येलो होगा एंड येलो जब होगा तब एक काउंटडाउन स्टार्ट होगा 10 से 0 तक. ओके एंड फिर ग्रीन अगेन एंड ये कार वेट करेंगे सिग्नल के लिए. ओके सो ये प्रोजेक्ट हम इस वीडियो में क्रिएट करेंगे. ओके फ्रेंड्स, सो चलिए पहले डिज़ाइन क्रिएट कर लेते हैं. सो ओके सो हमें कुछ इमेजेस चाहिए जो ऑलरेडी मैं डाउनलोड करके रखा हूँ फोल्डर में एंड इस ऑल इमेजेस एंड इंक्लूडेड फाइल का भी लिंक दे चुका हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप देख सकते हैं एंड डाउनलोड कर लीजिए, वो लगेगा इस प्रोजेक्ट में. ओके सो चलिए ये बैकग्राउंड यहाँ पर लगेगा. ओके एंड ये इमेज प्रॉपर्टी का स्ट्रेच जो प्रॉपर्टी है वो ट्रू करना पड़ेगा, नहीं तो हम इसको स्ट्रेच नहीं कर सकते. सो ये हो गया. ओके इसके बाद रोड क्रिएट करना पड़ेगा. सो क्रिएट कर लेते हैं शेप लेके. ओके एंड यहाँ पर इसका फिल स्टाइल जो है वो सॉलिड करना पड़ेगा एंड कलर चेंज कर लेते हैं. कलर जो है चलिए दे देते हैं ये. ओके ओके डैश हो वाला. एंड ये बॉर्डर स्टाइल होगा डैश. ओके नाउ हमें ट्रैफिक लाइट सिग्नल क्रिएट करना है, उसको उसके लिए भी शेप ले लेते हैं. ओके एंड इसका फिल स्टाइल सॉलिड करना पड़ेगा सेम पिछले की तरह एंड रेक्टेंगल नहीं चलो कर लेते हैं राउंडेड रेक्टेंगल. ओके एक नाइस सा लुक आएगा एंड इसका कलर फिल कलर चेंज कर लेते हैं ये डिफन बॉर्डर चलिए दे देते हैं थोड़ा सा डार्क वन ना. वही दे देते हैं. ओके ओके सिग्नल लाइट क्रिएट कर लेते हैं इसके अंदर. सॉरी सर्कल एंड फिल सॉलिड. ओके ना इसका कभी कलर चेंज करना पड़ेगा. कलर चेंज करके ये जो है ये रेड है राइट, सो रेड टिप दे देते हैं एंड यू ठीक है. अभी ये जस्ट कॉपी करते हैं. ओके ट्रैक करके यहाँ पर लगिन पेस्ट ये भी ट्रैक करके यहाँ पर. ओके थोड़ा सा नीचे आएगा सो
टॉप से थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, 960 लेट्स से थोड़ा ज़्यादा ही आ गया, थोड़ा सा और ऊपर 910। ओके अब ठीक है, एंड ये हुआ येलो एंड ओके नहीं देते हैं, एंड ये वाला है ग्रीन दिस वन राइट। ओके नो क्रिएट दिस फोन, कंट्रोल लेफ्ट एरो फॉर मूविंग यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए ये हो नहीं रहा है एग्जैक्टली। फर्स्ट ऑफ ऑल इसे हमें बैक में लाना पड़ेगा, सो सेंड टू बैक एंड इमेज को फिर सेंड टू बैक, सो ये बैक में चला गया। फिर सेलेक्ट करके थोड़ा सा राइट में लाना पड़ेगा, ठीक है। अब राइट में एक लेबल लगेगा काउंटडाउन के लिए, सो क्रिएट कर लेते हैं काउंटडाउन के लिए लेबल। ओके एंड फिर इसको जस्ट अटैच कर देते हैं, बोर्ड स्टाइल 3 सेंड टू बैक, सेंड टू बैक। ओके देन ये वाला सेंड टू बैक अगेन। ओके लेबल थोड़ा सा राइट में ले जा रहा हूँ, एंड अब इसका कलर सब कुछ कलर एंड फ्रंट साइज चेंज करना पड़ेगा। ओके सो कलर कलर चेंज करते हैं, बैक कलर जो है दिए वाला राइट। ओके एंड फिर फ्रंट, चलिए फ्रंट कलर पहले तो फ्रंट का फ्रंट चेंज करते हैं एरियल के, एरियल बोल्ड फ्रंट स्टाइल एंड साइज कर लेते हैं 20। ओके सो यहाँ पर 10 से काउंट डाउन स्टार्ट होगा, तो इनिशियल वैल्यू चलिए 10 देते हैं, एंड अलाइनमेंट जो है उसको सेंटर करते हैं। ओके सो देख सकते हैं थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। ओके राइट्स परफेक्ट, बट जो रहेगा एक्चुअली वो है ये। ओके अब कार ऐड करना पड़ेगा, सो ऑलरेडी डाउनलोडेड है, आप भी डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो उसके लिए पहले इमेज ले लेते हैं कार कार के लिए, एंड यहाँ से कार जस्ट चूज करेंगे। ओके सो ये रहा फर्स्ट कार, फिर इसको एक कॉपी पेस्ट कर देते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, सपोज ये ले रहा हूँ वाइट का। ओके ओके अब कहाँ पर कार आके रुकेगी वो लाइन भी यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं।
बॉर्डर साइन डैश कर देते हैं पहले। ओके इसको ही कॉपी कर लेते हैं। पेस्ट। नाउ कंट्रोल राइट एरो फॉर राइट, कंट्रोल डाउन एंड कंट्रोल राइट अगेन। सो या मूविंग पर्पस के लिए ये यूज कर सकते हैं। ओके सो डिजाइन पार्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब जस्ट नेम देना पड़ेगा। चलिए नेम दे देते हैं। ये जो है ये सेप है एंड सेप का प्रीफिक्स है एस एच पी राइट। सो SHP रेड दे देते हैं सिंपल। SHP येलो एंड दिस वन SHP ग्रीन। ओके दिस वन लेबल। सो ये काउंट पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो इसे दे देते हैं LBL काउंट। ओके एंड दिस वन इज इमेज। सो IMG ब्लैक एंड दिस वन IMG वाइट। ओके सो डिजाइन पार्ट इज कंप्लीट। Now we move to the coding part. Okay. So first of all हमें एक timer लेना पड़ेगा क्योंकि ये traffic light signal जो है timer के base में काम करेगा। So timer ले लेते हैं एक एंड इसको नाम लेते हैं timer traffic। Okay. And interval, कितने interval means कितने टाइम बाद ये कोड रन होगा वो एक सेकेंड देते हैं एंड ये मिली सेकेंड में काम करता है। सो दैट्स वाई हम लोगों को मिली सेकेंड वैल्यू देना पड़ेगा। इसलिए 1000 मिली सेकेंड मीन्स 1 सेकेंड। ओके सो ये 1 सेकेंड बाद कोड रन करेगा। इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे डबल क्लिक ऑन दैट एंड यहाँ पर हमारा ट्रैफिक लाइट का कोड होगा। सो चलिए ये जो ट्रैफिक लाइट है रेड येलो एंड ग्रीन आप ये 3 टाइमर लेके भी कर सकते हैं लेकिन मैं यहाँ पर 1 टाइमर लेके कर रहा हूँ। सो हमें सिलेक्ट केस लेना पड़ेगा क्योंकि सिलेक्ट केस में एक थोड़े टाइम बाद कुछ स्पेसिफिक कोड रन होना चाहिए। जैसे रेड के लिए कुछ स्पेसिफिक कोड, येलो के लिए कुछ स्पेसिफिक कोड। सो चलिए क्रिएट कर स्टैटिक एंड नाम दे रहे हैं इन स्टेट एज इंटीजर। ओके यहाँ पर सिलेक्ट केस ले रहे हैं। चलिए ओके केस 0 के लिए ये यहाँ पर कोड रन होगा ग्रीन लाइट के लिए क्योंकि ग्रीन हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ पर कोड रन होगा रेड लाइट के लिए। फॉर येलो लाइट ओके सो मैंने कंप्लीट। अब यहां पर कोड एंड सेलेक्ट करना पड़ेगा। ओके सेलेक्ट। ओके यहां पर केस 0 के लिए कोड होगा ग्रीन लाइट के लिए। सो फर्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट हम इनिशियल वैल्यू ग्रीन को एक्टिव रखते हैं फिर ग्रीन के बाद कुछ टाइम बाद रेड एक्टिव होगा देन येलो
एंड येलो जब एक्टिव होगा तब काउंट यहाँ पर काउंटडाउन भी स्टार्ट होगा, ठीक है। सो ग्रीन ग्रीन को हम इनिशियल रख रहे हैं और यहाँ पर इसका अब जो इनिशियल वैल्यू है इन स्टेट का वो ज़ीरो ही है। वी बी में कोई भी वेरिएबल का इनिशियल वैल्यू ज़ीरो होता है, ये हमें पता है, राइट। सो ठीक है, सो चलिए, सो एस एच पी ग्रीन जो हमारा मैं वो सेप ग्रीन का सेप का नाम है, ओके, एंड फिल कलर कॉल्स टू वी बी ग्रीन। अब जो सेप येल्लो है उसको इनएक्टिव करना पड़ेगा क्योंकि वो एक्टिव है। कूल्स टू एंड येल्लो का कलर देखना पड़ेगा, येल्लो का कलर क्या है। यहाँ पर सिंपली यहाँ से ले लेते हैं कॉपी और सिंपली कॉपी इट, फिर यहाँ पर पेस्ट कर लेते हैं, ओके। एंड टाइम JLBL कैप्शन है, LBL वो काउंट है, कैप्शन इक्वल्स टू हो जाएगा एंड LBL काउंट है फोर कलर ग्रीन कर लेते हैं, ओके, वे भी ग्रीन, ओके। नाउ इन स्टेट स्टेट का वैल्यू दे देते हैं 1, क्योंकि ये कोड रन होने के बाद में ये कोड रन होगा रेड लाइट के लिए, बट इसके लिए टाइम इंटरवल देना पड़ेगा। टाइम इंटरवल कितनी देर का तक ये कोड रन होगा, सपोज 8 सेकेंड के लिए करते हैं। सो टेमा ट्रैफिक बट इंटरवल कॉल्स टू 8 सेकेंड डी ए मिली सेकेंड में काम करता है, पहले बोल चुका हूँ इसलिए 8000 देना पड़ा, ओके। अब ये सिंपल यही कोड बार बार होगा, सो इसको कॉपी कर लेते हैं, जस्ट कुछ चेंजेस आएंगे। जैसे यहाँ पर ग्रीन जो फिल कलर है ये ग्रीन फिल कलर चेंज होगा, इनका जो इनिशियल वैल्यू है कलर का ये कॉपी एंड वी बी ग्रीन ये चेंज होगा, पेस्ट। एंड ये रेड का है सो ये रेड होगा, वी बी रेड, ओके, रेड में यही रहेगा, जस्ट ये वाला भी वी बी रेड हो जाएगा, सॉरी। एंड रेड का टाइम इंटरवल देते हैं सपोज 5 सेकेंड एंड इन स्टेट 2, सेम कोड यहाँ पर भी, सॉरी कॉपी करना पड़ेगा पहले, ओके, चलिए। अब ग्रीन तो यहाँ पर लगेगा नहीं, यहाँ पर रेड जो है वो लगेगा, रेड का जो वैल्यू है कलर वैल्यू वो ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर येलो, येलो का एक्टिव होगा, सो ये भी येलो, एंड येलो का टाइम 10 सेकेंड रहेगा क्योंकि हम काउंटडाउन भी क्रिएट करेंगे, सो 10,000 दे देते हैं एंड फिर अगेन ये ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है, इंस्टेंट ज़ीरो। सो हमें यहाँ पर देख लेते हैं, जब येल्लो आएगा तब यहाँ पर एक काउंटडाउन स्टार्ट होगा, सो काउंटडाउन के लिए हमें और एक टाइमर लगेगा, सो और एक टाइमर ले लेते हैं यहाँ पर, टाइमर का नाम देते हैं टेमा काउंट, सिंपल, ओके। एंड टाइम इंटरवल अगेन 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड। अब एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, हमारे पास ऑलरेडी एक टाइमर है और वो 1 इंटरवल 1 सेकेंड इंटरवल का भी है,
सो हम वो क्यों नहीं यूज़ कर रहे हैं काउंटडाउन के लिए, एक दूसरा और एक टाइमर क्यों ले रहे हैं? ओके, एंड ये आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। ओके, एंड इसका कोड जस्ट सिंपल है, इफ इस एच पी येलो डॉट फिल कलर इक्वल्स टू, अगर वी बी येलो हो, क्योंकि येलो में ही हम ये कोड रन करेंगे जब येलो होगा तभी, सो जब येलो हो ओके तब क्या होगा, तब लेबल कैप्सन सॉरी काउंट कैप्सन इक्वल्स टू जो रहेगा एलबीएल काउंट में कैप्शन माइनस वन, ठीक है। सो एलबीएल कैप्शन में जो रहेगा वो माइनस वन होगा हर सेकेंड में, देख सकते हैं ये टेन करना पड़ेगा, ठीक है, कैप्शन टेन। तो अभी तक कितना हुआ देख लेते हैं पहले, चलिए। सो पहले ये ग्रीन हो रहा है, ठीक है, ग्रीन हमारा कोड 8 सेकेंड के लिए एक्टिव रहेगा फॉर 8 सेकेंड, एंड उसके बाद रेड हो रहा है, ठीक है, रेड एक्टिव रहेगा 5 सेकेंड के लिए, फिर येलो एक्टिव हो रहा है, येलो रहेगा 10 सेकेंड के लिए, कि काउंट डाउन भी हो रहा है, ओके, बट काउंट डाउन यहाँ पर रेड हो रहा है रेड कलर में, हमें ये चेंज करना पड़ेगा, रेड नहीं हमें वाइट कलर चाहिए, ओके वाइट। सो इट्स डन, हमारा ट्रैफिक लाइट तो हो गया एंड काउंट डाउन भी हो गया, अब हमें ट्रैफिक लाइट के अकॉर्डिंग कार को मूव करना पड़ेगा। सो एल्गोरिथम सिंपल है, जस्ट कार यहाँ पर आके चेक करेगा, कार जब जैसे ट्रैफिक लाइट में होता है, जैसे रियल सिग्नल में होता है, कार जब यहाँ पर आएगा तब चेक करेगा ट्रैफिक लाइट का स्टेटस क्या है, अगर ये ग्रीन होगा तभी ये इसके बाद मूव करेगा, एल्स नहीं करेगा। सो यहाँ पर इसका पोजीशन देख लेते हैं कितना है, और ये लेफ्ट प्रॉपर्टी है, आप देख सकते हैं यहाँ पर लेफ्ट चेंज हो रहा है, यहाँ पर लेफ्ट आप ध्यान दीजिए, लेफ्ट चेंज हो रहा है ना। सो ये लेफ्ट कितना है, 6720, 6720 से कितना तक, 6720 से सपोज यहाँ तक कर लेते हैं 8280, सो 6720 से ओके। सो एंड इसका विद भी 100 पिक्सल है, एंड इसका विद भी 100 पिक्सल है, सो सेम ही है, इसके चेंज इसके लिए चेक करना नहीं पड़ेगा, सेम है। एंड इसको ब्रिंग टू फ्रंट करता हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं, तो ओके एंड ये भी चेक कर लेते हैं सामने है कि नहीं, ये भी पीछे है, सो सेंड टू फ्रंट कर लीजिए, सो सामने आ जाएगा, ओके एंड इसको भी टिक जगह पर रख देते हैं, ओके। सो इट्स डन, हम वैल्यू हमें मिल गया है, अब जस्ट इसको मूव करना पड़ेगा। सो इसके लिए और एक टाइमर लेना पड़ेगा, सो टाइमर ले लिए एंड इसका नाम देते हैं टेमर कार, एंड इसको जितना आप कम वैल्यू देंगे उतना स्मूथली रन करेगा। सो अभी इसको जितना वैल्यू चाहिए उतना कम दे सकते हैं, बट हम यहाँ पर 100 मिली सेकेंड दे रहे हैं। सो चलिए इसके अंदर हमारा जो कार का आप कोड है वो रन होगा, ओके इफ जो वाइट डॉट लेफ्ट इज ग्रेटर देन 6720
20 एंड यही आईएमजी यहाँ पर से कॉपी कर लेते हैं आईएमजी वाइट डॉट लेफ्ट अगर लेस देन रहे कितना 8280 से देन ये कोड रन होगा आईएमजी वाइट डॉट लेफ्ट इक्वल्स टू आईएमजी वाइट डॉट लेफ्ट प्लस मैं जस्ट पेस्ट कर रहा हूँ फास्ट के लिए ओके आप भी कर सकते हैं एंड इफ ओके नहीं एंड इफ नहीं यहाँ पर हमें और भी कुछ चेक करना पड़ेगा सॉरी हम ये चेक कर रहे हैं हम यहाँ पर आके इसका स्टेटस चेक करें इसका लेफ्ट पोजीशन कितना है लेफ्ट वैल्यू कितना है राइट उसके बाद हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि सिग्नल का स्टेटस क्या है अगर एक ग्रीन है तभी मूव करेगा एल्स नहीं करेगा सो यहाँ पर और एक इफ इफ स्टेटमेंट इफ कंडीशन आएगा कि इफ हमारा जो SHP ग्रीन है डॉट फिल कलर यहाँ पर मैं सेप लेके ही कर रहा हूँ आप चाहे तो कुछ वेरिएबल भी ले सकते हैं वेरिएबल सो आपको बार बार वेरिएबल का वैल्यू चेंज करना पड़ेगा फॉर ईच केस सो यहाँ पर इसलिए मैं जस्ट सेप लेके ही चेक कर रहा हूँ सेप को लेके ओके एंड ये अगर VB ग्रीन होगा तभी ये कोड रन करेगा राइट सो यहाँ पर अगर ये VB ग्रीन होगा तभी यहाँ पर कोड रन करेगा एंड इफ ओके चलिए चेक कर लेते हैं अगर इमेज मूव फुल्ली बाहर हो जाता है तो क्या होगा इसको लेफ्ट वैल्यू चेक करना पड़ेगा सो अब इमेज बाहर हो रहा है इसका लेफ्ट वैल्यू है 15360 एंड इसको यहाँ पर ड्रैग कर लेते हैं ओके नाउ else if img जो लेफ्ट है वो अगर 15360 से ज़्यादा होगा देन हम क्या करेंगे देन img left equals to -500 करते हैं ज़ीरो भी कर सकते हैं लेकिन ज़ीरो करेंगे तो स्मूथली एंटर नहीं होगा -500 करेंगे तो स्मूथली एंटर होगा कि आप डिफरेंस देख सकते हैं करके एल्स अगर ये नहीं होगा तो इमेज वाइट नॉर्मल जैसा है वैसा ही मूव करेगा ओके प्लस 40 तो ये वाइट का कोड हो गया हम देख सकते हैं रन करके एंड ये कोड वर्क कर रहा है ओके अभी ग्रीन स्टेटस है ग्रीन के बाद रेड हुआ ओके अभी ठीक है अब ये येलो ओके येलो भी काम कर रहा है एंड या ये स्टॉप रहेगा एंड जब ये ग्रीन होगा देन ये मूव करेगा सी मूव कर रहा है राइट एंड मूव करने के बाद जब ये विंडो के बाहर हो जाएगा तब फिर से यहाँ से एंटर करेगा देख लेते हैं ओके हाँ यहाँ पर आप देख सकते हैं स्मूथली एंटर कर रहा है ये -500 दिए इसलिए स्मूथली एंटर कर रहा है अदरवाइज नहीं करता अगर ज़ीरो देते तो यहाँ से ये मूव होता ओके सो चलिए ये वाला कंप्लीट हो गया ओके अब ये कोड तो हो गया अब जो ब्लैक कार है ब्लैक कार के लिए जस्ट
यही कोड कॉपी कर लेते हैं, सेम ही है। ओके इसको पेस्ट कर लेते हैं। जस्ट हमें ये जो नेम है वो चेंज करना पड़ेगा, इसके लिए ब्लैक है BLACK। ओके ब्लैक, सो IMG ब्लैक है उसका वैल्यू, सो इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट, हर एक इमेज वाइट जहाँ पर है वहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, इमेज इमेज वाइट पेस्ट, इमेज वाइट पेस्ट, यहाँ पर भी सिलेक्ट करके जस्ट डबल क्लिक कीजिए एंड पेस्ट। ओके ओके एंड इसका वैल्यू चेंज करते हैं, सो चलिए 60 दे देते हैं। ओके सो थोड़ा डिफरेंट देखिएगा, थोड़ा फास्ट होगा एक्चुअली, सो देख सकते हैं ये थोड़ा सा फास्ट है अकॉर्डिंग टू दिस, एंड ये फास्टली मूव कर रहा है, बट आके यहाँ पर स्टॉप करेगा ही, स्टेटस चेक करेगा, अभी रेड है इसलिए स्टॉप करेगा, येलो है अभी भी स्टॉप करेगा। एक्चुअली यहाँ पर येलो और रेड के लिए कोई भी कोड नहीं है, दैट्स व्हाई ये स्टॉप कर रहा है, जब ग्रीन होगा तब ये मूव कर रहा है। ठीक है ओके सो ये स्मूथली वर्क कर रहा है एंड या इट्स कंप्लीट। बट यहाँ पर और एक देख लेते हैं हम, यहाँ पर समझ लेते हैं ये कोड को, ये इंटरवल टाइम क्यों दिया हूँ, यहाँ पर इंटरवल टाइम दिया हूँ, सपोज ये यहाँ पर केस ज़ीरो, सो फर्स्ट इनिशियल वैल्यू जो ग्रीन के लिए है सो आ रहा है कंट्रोल यहाँ पर, सेव ग्रीन या वी ग्रीन कर रहा है, सेव जो कलर ग्रीन है इसको लाइट ग्रीन कर रहा है, एक्टिव कर रहा है इसको, येलो जो है जो प्रीवियसली जो एक्टिव था उसे इनएक्टिव कर रहा है, एंड कैप्शन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 था उसको फिर से ये एरो साइन कर रहा है। ओके फिर LBL काउंट 4 कलर को ये इसको भी ग्रीन कर रहा है, एंड इन स्टेट नेक्स्ट वन कर रहा है, इन स्टेट वन कर रहा है इसके लिए केस वन के लिए, एंड टाइम इंटरवल 8000 दैट मीन्स ये 8 सेकेंड के लिए इंटरवल मीन्स 8 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएगा। बट कहाँ पर स्टॉप होगा, यहाँ पर जब आ जाएगा यहाँ पर आके ये कोड स्टॉप हो जाएगा, उसके बाद में ये कोड और रन नहीं होगा। ठीक है जी, केस वन हो जाने के बाद यहाँ पर एंड सिलेक्ट, हमें पता है जब भी कोई एक केस रन होता है फिर दूसरा कोई नहीं होता। ठीक है, मतलब ये एक बार जब रन हो जाएगा फिर यहाँ पर एंड सिलेक्ट तक आ जाएगा, फिर जाके सिलेक्ट यहाँ पर आएगा, सो तब जब यहाँ पर आएगा तब ये 8 सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएगा, फॉर एट सेकेंड। ओके एंड इसके लिए 5 सेकेंड जब फिर से आएगा, ठीक है, तब इन स्टेट का वैल्यू क्या है, इन स्टेट का वैल्यू 1 है, सो इसलिए हम ये स्टैटिक वेरिएबल ले रहे हैं, क्योंकि हम प्रीवियसली जो स्टोर वैल्यू है वो स्टोर करके रखना चाहती है, प्रीवियसली जो वैल्यू है उसको यूज़ करना चाहते हैं, सो अभी इन स्टेट का वैल्यू कितना है 1, सो अभी यहाँ आके ये वाला मैच हो रहा है, ये वाला मैच हो के आप देख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस ये सब कोड रन हो रहा है, इन स्टेट 2 हो जा रहा है, फिर ये आके यहाँ पर टाइम इंटरवल 5000 है, दैट मीन्स 5 सेकेंड, सो इसके बाद फिर से यहाँ पर आ रहा है एंड 5 सेकेंड के लिए वेट कर रहा है टाइमर, 5 सेकेंड वेट करने के बाद फिर से सिलेक्ट केस में एंटर कर रहा है, अब इन स्टेट का वैल्यू 2 है, सो इन केस 2 ये कोड रन हो रहा है, एंड अब फिर से हमें ये इन स्टेट 0 कर दें क्योंकि इसके बाद फिर ये वाला ग्रीन आ जाएगा, एंड इसके लिए 10,000 मिली सेकेंड दे रहे हैं, दैट मीन्स 10 सेकेंड क्यों दे रहे हैं, ये 10 सेकेंड से कम मत दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम कोड रन कर रहे हैं, जो काउंट है यहाँ पर जो काउंट रन होगा उसके लिए यहाँ पर ये कोड है, सो उसके लिए हम कोड लिख रहे हैं, और वो 10 से जाके काउंट डाउन 10 से 0 तक हो रहा है, दैट मीन्स ये 10 सेकेंड मिनिमम चाहिए, आप इससे ज़्यादा दे सकते हैं लेकिन ज़्यादा देंगे तो ये नेगेटिव में चला जाएगा, सपोज देख लेते हैं यहाँ पर हम ये 12,000 दे देते हैं, दैट मीन्स ये 12 सेकेंड के लिए रन होगा, अब देखिएगा ये माइनस हो जाएगा, ओके माइनस में चला जाएगा, अभी ग्रीन है, ठीक है, अभी एक्टिव है सिग्नल, सो कार आएगा, अभी रेड हुआ, रेड 5 सेकेंड के लिए रेड एक्टिव रहेगा,
5 सेकेंड होने के बाद येलो हो रहा है, ठीक है। अब येलो स्टार्ट हुआ है, आप देख सकते हैं 10 से स्टार्ट हुआ है, 10 से स्टार्ट होने के बाद ये 12 सेकेंड तक चलेगा, 12 सेकेंड से चलेगा, या यही दिखाना चाहता था। आप देख सकते हैं यहाँ पर माइनस पे चला गया, सो दैट्स वाई आप जो वैल्यू दे सकते हैं, अगर आप इसका येलो का वैल्यू बढ़ाना चाहते हैं तब इसका भी वैल्यू आप बढ़ा दीजिए। सो अभी यहाँ पर 10 है, अभी इसको 11 कर दीजिए। ओके, सो मैं यहाँ पर 11 कर दीजिए, फिर 11 से काउंट डाउन स्टार्ट होगा, लेकिन अब मैं ये इसको 10 ही रखना चाहता हूँ और इसे मैं 0 कर देता हूँ। सो ये है हमारा ट्रैफिक लाइट और काउंट डाउन का कोड। अब देखते हैं कार का कोड। कार का कोड भी ईजी है, आप जस्ट समझ लीजिए, कार जब आ रहा है, कार ऐसे ही तो मूव कर, नॉर्मली ये मूव करेगा, ठीक है, लेकिन पोजीशन जब यहाँ पर आ जाएगा, लेफ्ट पोजीशन जब यहाँ पर आएगा, वो है 6720, हम देख चुके हैं 6720 जब आ जाएगा यहाँ पर, तब ये चेक करेगा सिग्नल का स्टेटस, यहाँ से यहाँ तक सिग्नल का स्टेटस चेक करेगा। अगर ग्रीन है तो ये मूव ही करता रहेगा, ठीक है, अगर रेड और अगर ग्रीन नहीं है तो नॉर्मली रेड होगा और येलो होगा, अगर ग्रीन नहीं है तो ये कार नहीं मूव करेगा, ठीक है। सो इसके लिए सिंपल सा कोड है img white.left। अगर देख सकते हैं, अगर इससे ज़्यादा होगा, 6720 से ज़्यादा होगा, एंड अगर 8280 से लेस होगा तो फिर ये कोड रन होगा। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, उसके बाद हमें चेक करना पड़ेगा कि VB ग्रीन है कि नहीं। अगर ग्रीन है तो ये कोड रन होगा। अगर स्टेट यहाँ पर लेफ्ट पोजीशन यहाँ से यहाँ तक एंड यहाँ से यहाँ तक है तो फिर मूव करेगा। सो इसलिए मूव कर रहे हैं यहाँ पर, एल्स पार्ट में आप देख सकते हैं नॉर्मली मूव करेगा। एंड अगर ये पूरा विंडो से बाहर चला जाता है, उसका पोजीशन है 15360, सो हम क्या कर रहे हैं, फिर से प्रीवियस स्टार्टिंग पोजीशन में डाल दे रहे हैं और वो कर रहे हैं माइनस फाइव हंड्रेड कर रहे हैं, क्योंकि ये स्मूथली एंटर करेगा, अदरवाइज इफ़ हम यहाँ पर 0 देते हैं तो ये स्मूथली एंटर नहीं करेगा, अचानक से यहाँ से आ जाएगा। ओके, इसलिए हम -500 दे रहे हैं और ये भी कोड सेम है, जस्ट हम नेम चेंज कर रहे हैं। और आप जितना चाहे उतना भी इमेज दे सकते हैं, इतने जितना भी कार ऐड कर सकते हैं, सपोज और एक कार अगर ऐड करना चाहेंगे तो चलिए ये हम कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट कर दीजिए, नो ओके, एंड इसको मूव कर दीजिए, एंड अभी यहाँ पर ये कर देते हैं। तो चलिए पहले तो नेम चेंज करना पड़ेगा, img white2, ओके img white2, एंड इसके लिए कोड जस्ट सेम है, इसको कॉपी कर लेते हैं एंड पेस्ट वन मोर टाइम, एंड ये क्या होगा, सॉरी यहाँ पर नहीं, ये वाला वाइट लेते हैं तो ये वाला कोड इजी होगा चेंज करने के लिए। सो इसे चेंज करते हैं white2, राइट। सो यहाँ पर जस्ट इमेज वाइट जो है उसको इमेज white2 कर लेते हैं हर बार, ओके। एंड यहाँ पर इसका वैल्यू जो है वो एकदम से 70 कर देते हैं, सबसे ज़्यादा रखते हैं, ओके सॉरी ये लेफ्ट टू नहीं, ओके। एंड आप देख सकते हैं मूव कर रहे हैं, लेकिन गलत की ये 70 इसका कोड है, राइट, MG White 2, ठीक है। अब रन करते हैं, सो देख सकते हैं ये पहले है, अब सिग्नल मिलेगा या नहीं, ओके सब देख सकते हैं ये स्टॉप हो गया। सो और अगर थोड़ा इसको इंक्रीज कर देते हैं, सपोज 90, देखिए इसको सिग्नल स्टॉप ही नहीं रहेगा, यह चलता रहेगा,
क्योंकि इसे रेड सिग्नल मिल नहीं रहा है, ग्रीन है। सो लकी, ओके, होने के बाद फिर से यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पर आके ये वेट करेगा एंड ओके, नाउ इसे सेव कर लेते हैं। यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट करते हैं, नेम ट्रैफिक सिग्नल। अगर आप प्रीवियस प्रोग्राम कर सकते हैं देन दैट मीन्स आप ये भी प्रोग्राम कर सकते हैं। ये भी उतना हार्ड नहीं है, बट कुछ एडवांस फीचर्स ऐड किया गया है, जैसे यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस एंड स्पीड कंट्रोल सिस्टम। यहाँ पर टाइम है, यहाँ पर डेट है, ओके। सो यहाँ से आप स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। सपोज इस कार का देखिए अब स्पीड बढ़ गया है, एंड पुलिस कार का देखिए स्पीड स्लो है, तो यहाँ पर स्पीड बढ़ा देते हैं तो देखिए स्पीड बढ़ गया। सो ऐसे ही स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, बट ये थोड़ा एडवांस है। सब्सक्राइब सो एडेमी फॉर मोर वीडियोज़।